हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं तैयारी तारापीठ जाने की और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 के आसपास। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन पकड़ेंगे, इसीलिए हम लोग सब उठ चुके हैं। आर और रियान को हमने थोड़ा लेट से उठाया है, तो वो नहा के नहीं जाएंगे, ऐसे ही रेडी होके निकल जाएंगे हम लोगों के साथ। तो क्रिसमस आने वाला है, तो हम लोग वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस। तो गाइज, हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए और हम लोग जा रहे हैं तारापीठ। और जैसे कि हर बार की तरह हम लोग ना सडनली प्लान कर लेते हैं तारापीठ। पीठ क्या होता है? पीठ क्या हुआ? सुबह सुबह जाना अच्छा लगता है या गंदा लगता है? रियान का पीठ। ये देखो, रियान को लग गया सदमा, सुबह सुबह उठ के एकदम मुंह बना के बैठा हुआ है बंदा। तो गाइज, ऊपर तो ठंड नहीं हो रही थी, नीचे आई तो देखो कैसे धुंध हो रही है, बाहर एकदम कोहरा हो रहा है, देख सकते हो आप। 5 बज रहे हैं। ये देखो हमारे सामने में ना पौंड है, और पौंड में देखो क्या हालत हो रही है। मुझे तो लग रहा था ठंड नहीं होगी ज़्यादा, ये देखो कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बाप रे बाप। और मैंने जैकेट वापस रख दी बैग में। यान और अंकुर जा रहे हैं आगे आगे, मैंने जैकेट डाल दी है बैग के अंदर, और अब लग रही है ठंड। अब फटाफट से गाड़ी में बैठ के जैकेट पहन लूँगी। वैसे ना मुझे जैकेट से ज़्यादा ना ये शॉल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मैं अपने कान और नाक कवर कर पाऊँ, नहीं तो ना मुझे कोल्ड कफ बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। क्या हुआ था मेरे बेटे को? मैं नहीं रो क्यों रहा था? बोल रहा था न्यू कपड़े पहनने, खराब हो जाएंगे। वही मैंने बोला, मैंने कल पहने नहीं, वो देख पहने। अंकल को देख, अंकल के कपड़े न्यू है वो जो जा रहे। हम पहुंच गए स्टेशन, 6:30 का टाइम हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन स्टेशन के बाहर ही इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है कि मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट तो यहीं पे लग जाएंगे। लेकिन हम टाइम से पहले ही आ गए थे, इसीलिए पता ही था कि ये सब होता ही रहता है यहाँ पे। तो अब देखते हैं अंदर कितने बजे पहुँचते हैं। मेरा भी फंबल हो गया। मालदा स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अंदर आना मुश्किल हो गया, हमें आधा घंटा लग गया है अंदर प्लेटफॉर्म तक आने तक। और अब भी जस्ट अंदर पहुँचे हैं तो देखा तो ट्रेन भी आ गई है, 7:30 की हमारी ट्रेन है, लेकिन अभी ना दरवाजे नहीं खुले। मैं भीड़ दिखाती हूँ आपको, भयंकर भीड़ है यार, मतलब बच्चों के साथ निकलना मुश्किल है। और ये प्लान बहुत ही ज़्यादा सडन बना, तो हम लोगों को ना टिकट नहीं मिल रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ना कैंसिल कर दिया था प्लान। लेकिन मैंने बोला जो ट्रेन तुम्हें मिलती है उसमें बुक करा लो, तो हम ना नॉर्मल ट्रेन में गए। वैसे हम चेयर कार जो होता है ना, एक डब्बा होता है सी में, उसमें जाते हैं तो कंफर्टेबली चले जाते हैं, बट यहाँ पे सीन हो गया कि हमें नॉर्मल सीट्स पे जाना पड़ा। हम लोगों की सीट्स थी, बट इसमें ना नॉर्मल पैसेंजर जो लोकल होते हैं ना, वो भी चढ़ जाते हैं, तो भीड़ हो जाती है। तो उतना मतलब फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन कंफर्टेबली नहीं जा पाए थे। फाइनली हम लोग पहुँच तो गए आराम से, आधे रास्ते के बाद ट्रेन खाली हो गई थी। लेकिन मेरा तो एक ही प्रॉब्लम है, अगर मैंने एक बार सोचा है कि मुझे जाना है और किसी ने हाँ बोल दिया कि हाँ हम भी चल रहे हैं घर में, तो मुझे जाना ही जाना है, फिर कैसे भी करके टिकट कराओ, मैं कैसे भी चली जाऊंगी। गाइस, हमारा स्टेशन आने वाला है तारापीठ। फिर आप क्या करोगे? हम वहां पे होटल में जाएंगे, मस्ती करनी है। गाइस, हम फाइनली पहुंच गए तारापीठ, और यहाँ बहुत भीड़ हो रही है स्टेशन पे। भीड़ है स्टेशन पे। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है बोलो? तारापीठ। तारापीठ तो शाम को जाओगे ना, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी मैं होटल जा रहा हूँ। वेरी गुड, चलो फिर होटल चलते हैं। तो मिलते हैं फिर होटल में, ठीक है ना? दोस्तों, बैठ गए हम टोटो में, देखो कैसी हवा चल रही है, मेरे बालों की पूरी पैंट बन चुकी है। गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा दिन के टाइम, रात को देखते हैं कैसा होता है वेदर। हम फाइनली पहुँच गए हैं होटल, और ये है होटल संभावना, काफ़ी अच्छा होटल है। यहाँ पे पहले जो है हम लोगों के फ्रेंड्स वगैरह आ चुके हैं, तो उन्होंने हमें बोला था कि यहाँ पे रुकना काफ़ी अच्छा है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का। और हमने एंट्री की, एंट्री करने के साथ ही राइट साइड में था रिसेप्शन और वेटिंग एरिया, हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे बैठे जब तक चेक इन करना था, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से कीज़ वगैरह ली, हम लोगों ने वेट किया। गाइस,
आज हमको ना आज हम होटल में पहुंच चुके हैं। मैं मेरे सरप्राइज देखा, ये देखो क्या ये देखो, हमको इसमें चीज दिखा, जैसे लगता है मैं उसको इस गिफ्ट को उठा लूं। तो उठाई तूने? उठाने नहीं दिया उन्हें, तो क्या करूंगी। और यहाँ पे आर्या का फोटोशूट स्टार्ट हो गया आते ही। और एंट्री करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमारे लिए आई वेलकम ड्रिंक, जो कि थी लीची फ्लेवर की। और पता नहीं इन्होंने कुछ ऐड किया था, इस चीज़ की वजह से काफ़ी टेस्टी लग रही थी। और फिर इन्होंने किया हमारा स्वागत इस तरीके से, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, उत्तरायणी समथिंग कुछ बोल रहे थे। ये वहाँ का कल्चर है जहाँ पे हम गए थे, तारापीठ का। ये लोग मतलब इस तरीके से गेस्ट को वेलकम करते हैं वन बाय वन। इन्होंने सभी को वेलकम किया, आर्या रियान तक को भी वेलकम किया इस तरीके से। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतने अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया। तो इस बार हम कोई पार्टी वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम आए हैं यहाँ पे माँ तारा के दर्शन करने, जो कि है तारापीठ में। तो अभी वेलकम करने के बाद लोगों ने हमें लेके जा रहे हैं वो लोग हमें रूम की तरफ। तो हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ, चलो चलो। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा रूम। वाओ, और हमें लगा नहीं था यहाँ पे तारापीठ में इतना अच्छा होटल मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विलेज एरिया है, तो यहाँ पे अच्छे होटल मिलना काफ़ी मुश्किल है। और आते के साथ ही देखो ये लोग बालकनी में चले गए हैं। काफी अच्छा व्यू है यार, यहाँ से देखो ना, बहुत अच्छा लग रहा है यार, वर्थ है। और ये ना मंदिर के काफी पास है, आई थिंक 5 से 10 मिनट लगेंगे मंदिर पहुँचने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब हमारा वाला दूसरा रूम, वो था मम्मी पापा का रूम। और ये है हमारा वाला रूम। थैंक यू क्या? काफी ज्यादा स्पेशियस है, आराम से 4 लोग सो सकते हैं। कैसा लगा अंकुर रूम? वाओ, बालकनी साइड है। बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो हम लोग अभी बस नीचे जाएंगे खाना खाने के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको वॉशरूम। अभी मैंने खुद ही नहीं देखा है, बट मैं आपको दिखाती हूँ। रूम अच्छा है तो वॉशरूम तो हो गई। तो आप देख सकते हो, मतलब अगर आप होटल में आए हो और हाइजीन मेंटेन मिल जाए आपको, वो भी थोड़ा सा विलेज टाइप एरिया है ना ये, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि यार कितना भी महंगा होटल ले लो नहीं मिलेगा शायद। तो लेकिन अच्छा निकला, अच्छा निकला मतलब अच्छा है। कैसा लगा मम्मी रूम? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। आर्या कैसा लगा? मेरा बच्चा तो कूद रहा है। हाँ, तो कूदने के लिए लिया है। अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है रियान? चलो खाना खा के आएंगे थोड़ी देर में, है ना, भूख लग। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बस खाना खाने के लिए, नीचे निकल रहे हैं। और 2 रूम ले लिए हैं, बच्चों को छोड़ दिया मम्मी पापा के पास, और हम यहाँ पे सोने वाले हैं मस्त होके फैल के, क्योंकि घर में तो बच्चे सोने नहीं देते हमको, एक ही बेड पे 4 जन होते हैं। तो आज हम फैल के सोने वाले हैं, है ना। और यान आरू के कहने पे हम पहले आए हैं स्विमिंग पूल के पास, जो कि है ग्राउंड फ्लोर पे। ठंडा होगा पानी, इस टाइम तो नहा नहीं सकते। वार्म रहता है लेकिन क्या नहाओगे? नहीं, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। ठंडा है ना? बच्चों के लिए तो है ही। हाँ, बड़ों के लिए भी नहीं है, हम गर्म पानी से नहाने वाले लोग हैं। ठंडा है ना? हाँ, उतनी भी तेज धूप नहीं है कि गर्म हो जाए। बर्फ का पानी है। चल एक डुबकी तो लगा ले यार, एक बार तैर जा मछली। नहीं नहीं, एक डुबकी लगा ले यार, ऐसे ही कूद जा, कूद जा, दो कूद जा। अरे वो नहीं कूदेगा, ऐसे कर रहा है, वो भी ड्रामा कर रहा है।
डेपो क्या है वो पानी से डरता है। चलो मैं थोड़ी देर में लंच करके आता हूं। थोड़ा थोड़ी देर में इधर नीचे जा तो फिर देखना मैं ऊपर से चला। ओके 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 चलें लंच करने। तो ये है होटल का रेस्टोरेंट जहां हम नीचे खाना खाने आए हैं। काफ़ी अच्छा है। अब टेस्ट करने की बारी है खाने को। काफ़ी तेज भूख भी लगी हुई है तो खाना खाते हैं फटाफट से। ऑर्डर करते हैं मम्मा के पास। और ये बड़ा यूनिक सा टेबल है। ये देखो टेबल के अंदर ना स्पाइसेस हैं। ये राई, दालचीनी, सूखी मिर्च। तो ये टेबल बना रखा बड़ा सुंदर सा। सारे स्पाइसेस डाले हुए हैं नीचे। ये देखो आते ही चिकन पे टूट पड़े हैं बच्चे। क्या खा रहे हो? चिकन लॉलीपॉप। क्यों खा रहे हो? मंदिर आए हो ना? सॉस ला दो ना। मंदिर आए हो ना? हाँ ले आए लिया है। मंदिर आए हो ना? मम्मी तो बहुत दूर है, ये तो होटल ही है। होटल में खा सकते हैं? तो आज कोई पूजा पाठ नहीं होनी थी इसलिए बच्चों ने नॉनवेज खा लिया है। और हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे पनीर टिक्का। और ये काफ़ी टेस्टी था। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा फूड इतना अच्छा होगा। और यार खाना अच्छा मिल जाए तो सच्ची बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और देखो ये कोई मतलब कोलैब या प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं कि मैं होटल या स्टाफ के बारे में कुछ अच्छा अच्छा ही बोल रही हूँ। ये जेन्युइनली अच्छा होटल था। और यहाँ का स्टाफ मतलब सर्विस इतनी क्विक थी कि आप कुछ भी मंगा लो 5 मिनट के अंदर आपके पास रूम में हो या आप कहीं पे भी होटल के अंदर हो पहुँच जाएगा। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टाफ जो था ना काफ़ी अटेंटिव था, चाहे रात के 2 बजे आप कुछ भी ऑर्डर करो। बात ऐसी है कि यहाँ पे पहले वीडियो बन रही है उसके बाद खाना खाएंगे। तो यहाँ पे खाना आ चुका है। बटर चिकन है और क्या है, गोभी, आलू गोभी की सब्जी है, दाल है। और ये दो हमारे महारत ही है जो वेजिटेरियन है घर में, और हम 4 हैं नॉन वेजिटेरियन। रायता भी है साथ में। और यहाँ पे देखो खाना वाना खा के आरुरियान फिंगर बोल में लगे। हो गया भाई, हाथ धुल गया, कितने धोने। पेट एकदम फुल हो चुका है। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, वेज भी नॉन वेज भी। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद हम लोग ना सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। पूरा मतलब मॉर्निंग से उठ के फिर ट्रेन की जर्नी की, उसके बाद मतलब ऐसे लग रहा था अब तो बेहोश हो जाएंगे। तो हम लोग कहीं नहीं गए, सीधा सो गए रूम में आके। और सोए तो हम 3 बजे थे लेकिन उठे हम 6-6:30 के आसपास हैं। और अभी सोच रहे हैं कि मंदिर जाके आरती अटेंड करेंगे तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं। मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद जैसे ही मैं सोच रही थी चाय या गर्म पानी पीऊँगी तो देखो पूरा मैं मतलब कैटल धो रही थी, कैटल का ढक्कन बंद हुआ। नहा धो के पूरे कपड़े मैंने गीले कर लिए अपने। और ये देखो डिस्टर्ब करने के लिए मेरी बेटी आ गई हमारे रूम में। रेडी होना था दादी दादू के रूम में, इधर क्यों आई? मजा क्या आता है? तू मेकअप लेने आई है क्या? क्रीम। कौन सी क्रीम? दादी ने मंगाई है फेस क्रीम। किसने मंगाई है? दादी के पास है लेकिन आपके पास लाए थे। हाँ लाई थी। कौन सी चाहिए तेरे को? फेस क्रीम। फेस की क्रीम तेरे लिए, दादी के लिए? मेरे लिए। तो तू दादी वाली क्यों नहीं लगाई? सेम ही तो है। लेकिन दादी तो अलग सी लगाती है, उसे मैल भी नहीं आती अच्छी। आपके वजह सारी स्मेल अच्छी आएगी। अच्छा वो दूसरी दू? हाँ दूसरी दो। मैडम जी देखो मेरे रूम में आके रेडी होगी क्योंकि इनको लग रहा है कि दादी के पास अच्छी क्रीम नहीं है अच्छी स्मेल वाली, मम्मी के पास अच्छा मेकअप और क्रीम है। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई है देखो मेकअप करने के लिए, है ना? सही बात है ना? चाय पीगी? नहीं पीनी। पानी हो गया गर्म और बना लेते थोड़ी सी चाय, शाम का टाइम है तो मैं सोच रही हूँ ब्लैक टी पी लेती हूँ क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं है तो ब्लैक टी पियेंगे। रूम के ना देखो अंदर से दिखाती हूँ बाहर का व्यू, क्या सही व्यू है। और देखो मैं बाहर जाती हूँ बालकनी में, ठंड चेक करने आई हूँ मैं बाहर कितनी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल, एक स्वेटर या जैकेट से काम चल जाएगा। अच्छा लग रहा है। चलो रेडी हो। तो गाइज वी आर ऑल सेट टू गो, मंदिर जा रहे हैं अब हम लोग। और देखो सब रेडी हो गए, रियान तो नाच ही रहा है। तुम रेडी हो? हाँ। चले फिर निकले। चलो निकलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको तारापीठ का मंदिर।
एक तो उन्होंने 7:30-8 बजा दी, लेट कर दिया, ऊपर से ऐसे चल रहे जैसे रेड कार्पेट पे चलना हो। गाइस हम लोग उतर चुके हैं यहाँ तारापीठ, और ये आप देख सकते हो ये एंट्रेंस है तारापीठ का। इस टाइम भी लग रहा है भीड़ हो रही है, तो ये रास्ता है तारापीठ के लिए। तो गाइस यहाँ पे भी सेम वैसी मार्केट है जैसी कि और मंदिरों में होती है, पूरी मतलब लंबी सी आगे तक मार्केट है जहाँ पे पूजा का सामान, प्रसाद और भी जो माता वगैरह की फोटो जो भी लेना हो आपको यहाँ पे मिलता है। मंदिर अभी आगे है, काफ़ी दूर है, चलते जाना है। तो हम पहुँच गए मंदिर, ये देखो अभी भी लग रहा है काफ़ी भीड़ है इस टाइम पे। अब बाकी अंदर जाके देखते हैं, आरती टाइम है, आरती अगर अटेंड कर पाए तो। और ये जो तारा माँ का मंदिर है ना, पूरा एकदम खचाखच भर रखा था इस टाइम, कोई पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी कि लाइन लगा के भी हम दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे माता की मूर्ति अंदर। तो हम कोशिश कर रहे थे कि काफ़ी दूर से अगर हम थोड़ा सा भी देख पाएँ, तो सब भी लोगों ने, आप देख सकते हो कैसे मोबाइल उठा के कैप्चर करने के लिए देख रहे हैं कि मतलब अगर थोड़ी बहुत भी दिख जाए, बट पॉसिबल नहीं था, नहीं दिखी। तो गाइस हम दूसरी तरफ के रास्ते में आ गए हैं और मंदिर में तो अभी दर्शन पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, 4 से 5 घंटे लगेंगे, तो हमें अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पे ना वो है एक घाट है, मतलब वहाँ पे ना पूजा वगैरह होती है, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये जो है शमशान घाट है और जिसके एंट्रेंस पे ही महाकाली के चरण है, और उसके बगल में ही ना जो बाबा जी उनको बहुत मानते थे उनकी समाधि है, तो अगल बगल में ही है दोनों। ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये माता के चरण देखने की लाइन है, तो यहाँ पे हमने लग के दर्शन किए थे माता के। और अंदर में घुसने के बाद मतलब माता के जो चरण थे वहाँ पे तो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करने दे रहे थे कुछ भी, और लाइट वगैरह जलाना भी मना था यहाँ पे। टॉर्च की लाइट आप नहीं जला सकते, आपको चाहिए तो मोमबत्ती आप चला सकते हो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग डांस कर रहे थे, नाच गाना हो रहा था, अपना इंजॉय कर रहे थे। ये जहाँ चरण मंदिर है उसके बाहर में ये बना हुआ है, यहाँ पे ना ये देखो आप देख सकते हो, ये बलि देते हैं यहाँ पे, तो उसका बनाया हुआ है बलि देने का, इसकी भी पूजा होती है यहाँ पे। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अंदर, और ये घाट है यहाँ का, तो मैं आपको दिखाते हुए जाती हूँ। जब मैं पहले आई थी तो ये सब नहीं था, बहुत अंधेरा हो रहा था उस टाइम पे, बट अब काफ़ी उजाला हो गया है। बच्चे और मम्मी पापा ऊपर ही रुक गए हैं मंदिर के पास, वहीं पे हमारा वेट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आई हूँ जिद करके, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं मान रहे थे अंदर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उजाला नहीं करने देते हैं बिल्कुल भी। और यहाँ पे होती है कुछ तांत्रिक विद्या वगैरह, जो लोगों को पता नहीं कुछ पूजा पाठ वगैरह कराने होते शायद उसके लिए आते होंगे यहाँ पे, मुझे उतना पता नहीं है इसके बारे में, बट मैंने सुना है कि यहाँ पे जो अघोरी होते हैं जो कि मतलब मुर्दों का मांस वगैरह भी खाते हैं, वो यहाँ पे पूजा करते हैं। तो बस हम लोग आगे जाते रहे और वो लोग बैठे थे। ये जो लाइट्स आपको बीच में दिख रही है ना, ये थोड़ी थोड़ी ये उसी की लाइट्स है जहाँ पे हवन वगैरह कर रहे हैं लोग अघोरी बाबा। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रही थी, जहाँ पे भी मैं ऊपर की तरफ को लाइट मार रही थी ना टॉर्च की, फ्लैश ऑन करके रिकॉर्डिंग करना चाह रही थी, बट वो हो ही नहीं रहा था रिकॉर्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक पूजा हो रही है, तो बस जितना मैं कर पाई आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने उतना ही किया है। बाकी आगे मैं टॉप तक गई थी जहाँ पूरा मतलब शमशान घाट था और पूरा पानी वाला घाट था, मैं पूरा देख कर आई। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मना कर रहे थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है इन सब चीज़ों की। तो गाइस हमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया हुआ था दिन में खाना खाने के बाद, तो मंदिर गए तो वहाँ पे तो दर्शन अभी नहीं हुए, हम लोग मॉर्निंग में आएंगे पूजा करने तो तब दर्शन करेंगे। उसके बाद हम काफ़ी अंदर पूरा मंदिर घूमे, फिर जो घाट था वहाँ पर भी गई मैं, तो टाइम लग गया। उसके बाद बाहर आने के बाद हमने खाए गोलगप्पे, गोलगप्पे खाने के बाद अभी किसी का मन नहीं भरा है, तो बस वही चटपना चल रहा है रोड पे। और ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, बनवा रहे हैं मेरे हस्बैंड अमरूद की चाट, पसंद है? अब देखते हैं अंकल जी कैसे बनाते हैं, टेस्ट करते हैं। कितने का है? सही दिया है। कैसे बना है?
तो वो जहाँ पे हम माता के चरण देखने गए थे वहाँ पे पंडित जी ने हमें इतने बड़े बड़े लंबे लंबे टीके लगा दिए थे, और ये सिंदूर ना बिल्कुल हटता भी नहीं है, सारा कपड़ों पे गिर रहा था और जहाँ पे भी गिर रहा था पूरा लाल हो जा रहा था वहीं पे। हम लोग आए हैं वेज रेस्टोरेंट जहाँ पे कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है आपको दाल पनीर और दूसरी पानी वाली दाल है वो। तो वेज तो यहाँ पे मतलब रेयरली ही मिलता है, तो मम्मी को प्योर वेज ही खाना है, तो हम आए हैं आप जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। वैसे पेट भरा हुआ ही है, ज़्यादा कुछ खाना नहीं है। और गाइज ये है यहाँ की फेमस मिठाई, वैसे तो हम गुलाब जामुन बोलते हैं ना, उसी का साइज इस टाइप से लंबा लंबा बनाते हैं ये, और यहाँ पे इसको बोलते हैं लेंचा, तो ये लोग वही खा रहे हैं। हम लोग रूम में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 के आसपास टाइम हो गया है, तो बस अब सोने ही लगे हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है तो टाइम से सो जाएंगे। और आज तो दर्शन नहीं हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा मॉर्निंग वाले दर्शन कर लेंगे माँ के। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में, बाय बाय, गुड नाइट।